अखिलेश यादव भी पलटवार करते हुए सुनाई दिए बहराइच में, सुनवाते हैं आपको। मैसी से हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी के ओझा जी, केसरगंज से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी आनंद यादव जी, प्रयागपुर से मुकेश श्रीवास्तव जी, नानपारा से समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती माधुरी वर्मा जी, मटेरा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती मारिया शाह जी मिल चुकी है, लेकिन अभी जनता की अदालत में जमानत नहीं मिली है। यही जनता इनकी जमानत जब्त करेगी। और मैं कह के जा रहा हूं, जिस आंदोलन को लेकर के किसानों के तीन कानून आए थे, तीन कानून लाए गए थे जिनके कारण किसानों ने आंदोलन किया और सरकार को पीछे हटना पड़ा, जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया, सरकार ने वो तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। मैं ये कहकर के जा रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार भी उठक बैठक लगाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश का किसान उन्हें माफ करने वाला नहीं है। इस चुनाव में उनको साफ कर देगा। ये बीजेपी वाले बहुत ABCD पढ़ रहे हैं आजकल। कभी कहते हैं ए फॉर ये, एन फॉर ये, जेड फॉर ये। बताओ बीजेपी वाले पढ़ रहे हैं ABCD के नहीं पढ़ रहे हैं? कभी ए फॉर ये, उन्हें हम हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। और मैंने कहा कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और पत्रकार साथियों, काका का मतलब है काले कानून। बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? तो अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, ने कोई बचा नहीं पाएगा। यहां पर खेतों की रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही है? गौशाला में जितना भी पैसा आया सरकार के लोगों ने लूट लिया। गाय मां हमारी भूखी है, जान जा रही है उसकी, और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है। बताओ टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा? अभी हम जैसे ही बहराइच में आए, बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर हमें दिखाई दे गया सड़क पर। सोचो कैसी सरकार है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है जो न केवल उत्तर प्रदेश को दिशा देगा बल्कि देश की राजनीति को भी दिशा देगा। ये चुनाव उत्तर प्रदेश को बदहाली से बचाने का भी है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है, ये चुनाव संविधान को बचाने का भी है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव भी है। ये चुनाव हमारी जो तहजीब रही है गंगा जमुनी संस्कृति, उसको भी बचाने का चुनाव है। ये चुनाव जहां भाईचारा को बचाने का है, वहीं हमारे नौजवान आगे कैसे बढ़े, किसान खुशहाल कैसे हो, उसका भी ये चुनाव है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संकल्प पत्र लेकर के आएंगे, और जो हमारा घोषणा पत्र है उसमें समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, और वहीं हमारे किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी, किसानों को कोई भी बिल नहीं देना पड़ेगा। बताओ जब बिजली का बिल आता था तो करंट लग रहा था कि नहीं लग रहा था? और जब से समाजवादियों ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री दी जाएगी, तब से भारतीय जनता पार्टी के बिजली गुल हो गई है। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, बल्कि समाजवादी पार्टी ने तय किया है
कि प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी, चाहे हमें मंडी ठीक करनी पड़े, चाहे हमें खरीद केंद्र अच्छे करने पड़े, हम किसानों की खरीद को एमएसपी पे कराने का काम करेंगे। बहराइच से अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं काका चले गए हैं, काका मतलब काले कानून, और बाबा भी जाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।